गू खा ले, टट्टी खाएगी मेरी। टट्टी जोक, खानदान की गेंद फट जाएगी तुम्हारे हंसते हंसते। स्टॉकिंग, आई वाज स्टार स्ट्रक। तो कैसे हो भाई लोग, आपस में आ चुका है यूट्यूब कम्युनिटी से लेट बहुत सारे अपडेट लेकर। तो आज की पहली अपडेट होने वाली फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि फ्लाइंग बीस्ट का एग्जाम होने वाला है, जिसके कारण उनका डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आज उनका एग्जाम है LLB एंट्रेंस का। तो देखते हैं दोस्तों उनका नया ब्लॉग आपको कब तक देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अपडेट हमें लक चौधरी के बारे में। दोस्तों लक चौधरी का नया रोस्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें उन्होंने रोस्ट किया है देविका गुप्ता एंड अगस्त्य शाह का। तो देखिए देविका गुप्ता के बारे में बात करते हुए लक चौधरी ने अपने वीडियो में क्या कुछ बोला है। उसके अंदर द साउंड ब्लेज की आत्मा घुसा दो, अफीम का नशा की हुई, विद लेस वोकैबुलरी, थोड़ा सा 2012 के व्हाट्सएप जोक्स का तड़का और स्वाद अनुसार ओवरयूज्ड मीम टेम्पलेट्स, लो बन गई एक और हैवी इंस्टाग्राम कॉमेडियन देविका गुप्ता जी। बेटा जल्दी से उठ जा और कॉलेज जा, जल्दी क्या करो। देविका गुप्ता का इंस्टाग्राम इज इक्वल्स टू मोस्टली सेन का रिसाइकल बीन। कोई भी माँ इतनी बुरी नहीं होती जितनी देविका अपनी इंस्टाग्राम रील्स में दिखाती है, जब तक कि उसकी खुद की बेटी देविका की इंस्टाग्राम फॉलो। लाइक गू खा ले, टट्टी खाएगी मेरी। टट्टी जोक आ गया, अब तो तुम्हारा खानदान गया, अब तो पूरे खानदान की गेंद फट जाएगी तुम्हारे हंसते हंसते। मैं भी बाहर देख के आता हूँ, कहीं हमारे माली की धोती ना पीली हो गई हो हंसते हंसते। तो दोस्तों अभी तक इस पे देविका गुप्ता या अगस्त्य शाह में से किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे उनका कोई रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट वाले मुंबई का निखिल के बारे में। दोस्तों मुंबई का निखिल ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी जो पेरेंट्स हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को फोर्स कर रहा है कि वह इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट पे काम करें ताकि उनको फेम मिले। लेकिन दोस्तों इस टाइप से करना उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ वह खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे अभी भलगर वीडियो में भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी लोगों को मुंबई का निखिल का यह स्टोरी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, तो देखिए इसमें उन्होंने क्या कुछ बोला। स्टोरी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को समझे नहीं। इट इज़ फॉर द किड जिनके माँ बाप उनको एज एन अडल्ट बिहेव कराते हैं। अगर बच्चे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और कोई शूट करे डॉक्यूमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है, मैं और शायद दिन भर वही वीडियोज देखते हैं। लेकिन अगर किसी के माँ बाप उनको एज एन अडल्ट बिहेव करने बोलते हैं 4-5-6 साल के बच्चों लोग को, देन देर इज अ प्रॉब्लम। बच्चे बच्चे की तरह बिहेव करे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा और फेमस बने, वो डेंजर लेवल है। और मेरा क्या जाता है एज ए क्रिएटर, मैं बस अवेयर कर रहा हूँ, अवेयरनेस। तो नेक्स्ट अपडेट होने लगी आशीष चंचलानी के बारे में। दोस्तों आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करके बताया कि रोहित सेठी के साथ उनका एक इंटरव्यू आने वाला है, जो कि जेनी सेक्वीरा के यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। दोस्तों यह इंटरव्यू आज उनके यूट्यूब चैनल पे आने वाला था। जैसे ही यह इंटरव्यू आएगा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस इंटरव्यू की एक छोटी सी प्रोमो आप लोग यहाँ पे देख लो। अगर कोई रोड पे आदमी खड़ा है, वो बोले आज मैं उठा, मैंने चाय पिया, मैं नहाया, मैं ब्रश किया, मैं आज ये कपड़ा पहना, ये देखो मैंने ये शर्ट पहना, ये पैंट पहना, ये देखो ये मेरी गाड़ी है, देखो मैं बैठा है, मैंने स्टार्ट किया, मैं 80 पे जा रहा था, मैं सीलिंग पे जा रहा था, मैं ऑफिस पहुंच गया, और उस चक्कर में दूसरा जो घर पे बैठा ना कि ओ ये कॉफी पी रहा है, ये तो फूड हॉल गया या गई, मैं भी जाऊंगा, ये तो मालदीव्स गई, गया मैं भी जाएगा, मैं आधा घंटा और बैठा, मैं भी सोशल मीडिया छोड़ दूंगा इनके साथ। I was in his office and I was just looking at him. I was just staring at him. He's talking. I was starstruck. ऐसे ला ला ला। तो next update है only सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। दोस्तों सौरभ जोशी ब्लॉग के YouTube चैनल पे 8 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों उनका बर्थडे भी था, तो पारस ठकराल के साथ उन्होंने कुछ पिक शेयर की थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों हमारी तरफ से सौरभ जोशी ब्लॉग को हार्दिक कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों अभी की अपडेट होती है यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।